بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المبين وفرقان الحميد وقوله الحق إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. शुरू करते अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है और उसका एहसान मानते कि खुदाया माह रमजानुल मुबारक का 1 वीक क्रॉस हो चुका, 1 हफ्ता हो चुका और हम खुदा की बारगाह में अपनी रोज़ों को लेकर अपनी इबादतों को लेकर हाजिर है उसी की दी हुई तौफीक से। आज हम अल्लाह सुबहान व तआला की बारगाह में फिर कुछ तलब करते हैं और आज हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए माबूद, आज के दिन मुझे यतीमों पे रहम करने, उनको खाना खिलाने और खुले दिल से सबको सलाम करने और शोरफा के पास बैठने की तौफीक दे। अपने फजल से ए उम्मीदवारों की पनाह गा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। हमने अल्लाह सुबहान व तआला से 4 चीजें मांगी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। हमने अल्लाह से क्या 4 चीजें मांगी? फर्स्ट, अल्लाह मुझे यतीमों पे रहम करने की तौफीक दे। दूसरा, मैंने अल्लाह से क्या मांगा? मुझे यतीमों को खाना खिलाने की तौफीक दे। और तीसरा क्या मांगा? मुझे खुले दिल से सलाम करने की तौफीक दे। चौथा मैंने क्या मांगा? खुदाया मुझे आज अच्छे मुकर्रम शरीफ लोगों की बज्म में बैठने की तौफीक दे। तो मैंने आज अल्लाह से 4 चीजें मांगी। अब इन 4 चीजों को जब हम देखें, जब अल्लाह सुबहान व तआला से हम तलब कर रहे और मांग रहे हैं, तो एक मरतबा खुदा वंदे आलम से अगर हम थोड़ा सा गौर और फिक्र करें तो एक चीज समझ में आती है कि आज 8वां दिन है, 1 वीक हो चुका है। इससे पहले जो हमने 7 दिन दुआ मांगी, अगर आपके जहनों में है, इससे पहले जो हमने दुआ मांगी जो 7 दिन, उस दुआ में हमने अल्लाह से जो भी मांगा था वो आप दो माबूद के दरमियान की बात थी। अल्लाह मुझे कुव्वत दे तेरी इबादत करूं, अल्लाह मुझे तेरे गुनाह से मासियत से बचाए रख, अल्लाह मुझे मेरे हाल पे न छोड़ दे। अभी तक मैंने जो मांगा, खुदाया मुझे रोजेदारों में शामिल कर, मुझे कयाम करने वालों में शामिल कर, ये अब दो माबूद के बीच का रिलेशन था। अब आज जो हमने अल्लाह से मांगा, ये हुकूकुन नास का चैप्टर है। अल्लाह को ऐसा बंदा नहीं पसंद है जो सिर्फ इबादत करे, क्योंकि सिर्फ इबादत करने के लिए तो अल्लाह ने एंजल्स को भी क्रिएट किया। अल्लाह को ऐसा बंदा पसंद है जो इबादत के साथ साथ ये भी इबादत है समझता हो, लोगों के साथ मिलना जुलना, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, देयर आर सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वन्स लाइफ, राइट। एक होता है मैं फैमिली में कैसे हूं, एक होता है मैं फ्रेंड सर्कल में कैसी हूँ, एक होता है मेरा सोशल सर्कल क्या है, मेरे वो मजालिस जिसमें मैं बैठती हूँ, आती हूँ जाती हूँ, वहां पे मेरा बिहेवियर कैसा है।
तो मेरा मेरे रब से रिश्ता मजबूत हो, मेरा बंदों से मखलूक खुदा से रिश्ता मजबूत हो। और उसमें भी जब मैं सोशल लाइफ की बात करूं तो सोशल लाइफ में भी अगेन देर आर टू टाइप्स। एक ये कैटेगरी होगी कि मैं ऐसे लोगों से रिश्ता रखूं जो मेरे स्टेटस पे है। आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने आपको गिफ्ट दिया। आपने मुझे अपने घर के मजलिस में बुलाया, मैंने आपको अपने घर की शादी में दावत दी। ये बराबरी के एतबार से हो रहा है, या मुझसे कोई हायर लेवल पर है, मैं उसके साथ रिश्ता बना रही हूं और मैं समझती हूं कि मैंने अपनी सोशल लाइफ को आबाद रखा। और ये सिले रहमी भी इबादत है, डेफिनेटली इबादत है, ये भी इबादत है। बट एट द सेम टाइम मेरा रिश्ता उन बंदों से कैसा है जो जाहिरन मुझसे कमजोर है। माई हाउस हेल्प, माई कुक, माई ड्राइवर, बच्चे, छोटे बच्चे जो कमजोर है या जो माली एतबार से कमजोर है, मजलिस में रोज मिलते हैं, एक ऐसा बंदा है जो पैसे वाला है, एक ऐसा बंदा है जो गरीब है, माली एतबार से मुझसे कमजोर है, मेरा रिश्ता उसके साथ कैसा है। मैं दोनों को सलाम करने में पहल करती हूँ नहीं करती हूँ, या ये मैं कहती हूँ कि पैसे वाला है तो मैं सलाम करूंगी, गरीब है तो वो मुझको आके सलाम करे। तो कुछ चीजें है जो सोशली हमको कनेक्ट करती है, और ये भी अल्लाह देख रहा है और अल्लाह ये चाहता है कि मेरे बंदा, मैन इज अ सोशल एनिमल, अल्लाह चाहता है कि तू अपनी फैमिली लाइफ और अपनी सोशल लाइफ को साथ ले, और उसको वो भी इबादत हो सकती है, बल्कि है। फिर वो बात आ रही है, तो अब आज हमने कितनी खूबसूरत दुआ मांगी कि जिसमें ये सोशल एस्पेक्ट भी कवर हो रहा है और वो कमजोरों वाली बात भी कवर हो रही है। ए अल्लाह, अल्लाहुम्मर ज़ुकनी फी है, अगेन जो हमने ये बात, ये लफ्ज हमने पहले पिछले दिनों में हमने डिस्कस किया था, अल्लाहुम्मर ज़ुकनी फी, अल्लाह मुझे रिस्क दे, अल्लाह मुझे रिस्क दे। किस चीज का रिस्क दे? रिस्क यानी मेरी जरूरत। अल्लाह मुझे रिस्क दे रहमतिल ऐताम, मुझे यतीमों पे रहम करने वाला रिस्क दे, यानी मेरे पास वो दिल हो, इतना बड़ा दिल हो, इतना सॉफ्ट हार्ट हो, इतनी मोहब्बत हो मेरे दिल में, इतना रहम हो मेरे दिल में कि मैं यतीम पर मेहरबानी करूं। जैसे तू रहमान हो रही, मैं मेरे अंदर भी रहम डाल दे। और जब मैं यतीम पे मेहरबानी करने का इरादा करूं तो मुझे उतना रिस्क दे कि मैं यतीमों को खाना खिला सकूं, मैं उनकी जरूरत को पूरा कर सकूं, मैं यतीम बच्चों को टॉयज ला कर दूं, उनके वॉट एवर, जिस तरह भी मैं मदद कर सकती हूं उनके ऊपर मैं करूं, क्योंकि ये मेरी जरूरत है मेरी दुनिया और मेरी आखिरत को संवारने के लिए। और अहले बैत के घरों में, उनकी हयात तैयबा में ऐसी हजारों मिसाल मिल जाएगी। मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फर्ज। मौलाए कायनात को अबुल एताम कहा जाता था, यतीमों का बाप, यतीमों का मरकज। अब जानते कूफे के यतीमों ने क्या किया था, अभी जब मौला की शहादत की बात आएगी, जिक्र आएगा, मसाइब में हम पढ़ते हैं कि मौला, जब सुना कि मौला जख्मी है तो कूफे के यतीम दूध का प्याला लेकर आ गया, हमारा बाप तो मर गया, हम दोबारा यतीम नहीं होना चाहते, ये जो मेहरबान है हमारे ऊपर, एक शफीक वालिद का साया जो बना हुआ है, मौला अली देखते थे कोई यतीम नजर आता था, रो रहा है, मेरा बाप नहीं है, मर गया, मौला कहते थे क्या तू पसंद करता है कि मुझे बाबा कह के पुकारे, क्या तू मुझे इजाजत देता है मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूं। कभी कभी मौला इस तरह भी उनसे ऐसा भी नहीं फोर्सफुली, मौला उनसे वो कनेक्शन कायम करते थे, डू यू एक्सेप्ट मी कि मैं तेरे साथ वो सलूक करूं जैसे एक मेहरबान शफीक बाप करता है। तो किस तरह से कि यानी यतीम, और खास तौर पे जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, जिन्होंने अपने वालिदैन का या वालिद का साया सर से खो दिया, यतीमों पे रहम करूं, वह इतआमत तआम, और उन्हें खाना खिलाऊं, किसे? यतीमों को खाना खिलाऊं। खाना खिलाना अपने आप में बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का फखर है, अल्लाह कहता है मैं खाना खिलाने वाला हूं। अहले बैत खाना खिलाते थे,
एक होता है खाना खिलाना, माहे रमजानुल मुबारक है, और माशाल्लाह अल्लाह तमाम डोनर्स को, सखी दाताओं को, फिलैंथ्रोपिस्ट कामयाबी दे, उनके तौफीकात में, उनके हलाल रिस्क में बरकत दे। माहे रमजान आता है, हम देखते हैं कहीं पे सहरी के पैकेट्स बन रहे, कहीं पे इफ्तार के पैकेट्स बन रहे, कहीं किसी के घर अनाज पहुंचाया जाता है, किसी के घर मिल्क पहुंचाया जाता है, किसी के घर कोई खजूर, व्हाटएवर, हम कहते हैं ये इफ्तार का सामान इनके घर पहुंचा दे, उनके घर पहुंचा दे। माशाल्लाह हम बहुत सारा देखते हैं, हमारी सोसाइटी खाना खिलाने में बिलीव करती है अहले बैत का सदका। एक होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, किसी के घर जाके दे देना, हम कहते हैं चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस्साजिदीन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहुम, इमाम की सुन्नत है, सिक्स्थ इमाम की सुन्नत है, सेवन्थ इमाम की सुन्नत है, सेकंड इमाम की सुन्नत है, हर इमाम की सुन्नत है, हत्ता के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहुम, आपकी सुन्नत है कि आप घरों पे दरवाजों पे खाना रख के आते थे, पता भी नहीं चलता था कौन रात के अंधेरे में रोटियां रख के चला गया, अनाज रख के चला गया। डिस्ट्रीब्यूट करना, फूड देना, ये अपने आप में कमाल है, इबादत है। उससे बड़ी इबादत ये है, उससे बेहतर और अफजल इबादत ये है कि अपने पास बिठा के खिलाना, अपने घर बुला के खिलाना। डिस्ट्रीब्यूट कर देना आसान है कि ठीक है मैंने दे दिया, मेरा मेरी ड्यूटी फिनिश, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश। नो, देर शुड बी टाइम्स, देर शुड बी सम डेज इन योर लाइफ इन दिस माह कि जब हम चाहे हम अपने पास बिठा के खिलाए, अपने घर बुला के खिलाए, अपने रिश्तेदारों को बुला के खिलाए, ये बहुत ज्यादा सवाब रखता है। मौला सैयद सज्जाद अगर जाते थे दरवाजों पे खाना रख के आते थे, वो आम होता था, अपने दुश्मनों के दरवाजे पे भी रख के आते थे, जो इमाम को इमाम नहीं मानता उसके दरवाजे पे भी खाना रख के आते थे, अगर वो जरूरतमंद है, गरीब है, मोहताज है। और इमाम अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को अपने पास, अपने दस्तरखान पे बिठा के खाना खिलाते थे। ये सिफत तो पूरे 14 के 14 मासूमीन की है, अपने पास बिठा के खाना खिलाना, कितनी हसीन है ये बात। और ये भी नहीं कि हम टेबल पे बैठे, तुम जमीन पे बैठो, हम रोगन वाली रोटी खाए, तुम सूखी रोटी खाओ, नहीं। मौला कहते थे जैसा तू खाएगा वैसा मैं खाऊंगा, जहां तू बैठेगा वहां मैं बैठूंगा। इमाम गुलामों के साथ बैठने में, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के साथ, गरीबों के साथ बैठने में फख्र महसूस करते थे। तो हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, मुझे खाना खिलाने वाला बना और मुझे यतीमों को खाना खिलाने वाला बनाने। मैं यतीम पे रहम करूं, यतीम को अपने पास बिठा के खिलाऊं। मैं यहाँ पे आपको कुरान मजीद के कुछ आयतों का हवाला दे रही हूं। एक है सूरे माउन, सूरा नंबर 107, इब्तदाई आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो कयामत को जुटलाता है? ये वही है जो यतीम को धक्का देता है और किसी को, मिस्कीन को खाने के लिए तैयार नहीं करता, किसी मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए या खुद भी नहीं खिलाता, और अगर कोई खिलाने वाला है तो उसको डिस्करेज करता है, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाने देता। फवैलुल लिल मुसल्ली, तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए, वैल है, तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए जो यतीम का एहतराम नहीं करते, जो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते, ये कयामत को जुटलाते, ये नमाज की इनकी बर्बाद है, तबाह। दूसरी मिसाल दो मैं आपको, कुरान मजीद में यतीमों का तस्करा और खाना खिलाने का तस्करा तो कई मुकाम पर आया है। एक दो या तीन बस मैं आपको हवाले दूं। सूरह फाजर, सूरह इमाम हुसैन अलैहि सलाम, सूरह नंबर 89, आयत नंबर 16, 17, 18। और जब आजमाइश के लिए रोजी को तंग कर दिया तो कहने लगा मेरे परवरदिगार ने मेरी तौहीन की। आयत नंबर 16, अल्लाह क्या कह रहा है, जब मैं तुमको गरीब बना देता हूं, तुम्हारी रोजी को तंग कर देता हूं, तो तुम कहते हो अल्लाह ने मुझ पे जुल्म किया, अल्लाह ने मेरी तौहीन की, मुझे गरीब बना दिया। अल्लाह कहते हैं नहीं, मैं जालिम नहीं हूं, अपने अमल पे नजर कर, ऐसा हरगिज नहीं है। आयत नंबर 17, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि तुम यतीमों का एहतराम नहीं करते। जब तुम यतीमों का एहतराम नहीं करोगे तो हम तुम्हारी रोजी को बंद कर देंगे।
और लोगों को, मिसकीनों को खाना खिलाने पे आमादा नहीं करते। जब तुम खाना नहीं खिलाओगे मिसकीनों को, कमजोरों को, यतीमों को, हम तुम्हारी रोजी बंद कर देंगे। दावत दे के रिश्तेदारों को खाना खिला के अल्लाह से सौदा करो, अपने रिस्क में बरकत करो। तीसरा हवाला दूं सूरे दहर, सूरा नंबर 76, सूरे फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वज्जिल फरज, आयत नंबर 8 और 9। ये उसकी मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और असीर को खाना खिलाते। फिर यतीम और खाना खिलाना, दिस गोज हैंड इन हैंड। ये अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और असीर को खाना खिलाते हैं हम सिर्फ अल्लाह की मर्जी से। चहले बेटे तायरीन ने जब इनको खाना खिलाया तो क्या किया, इट वॉज सो सेल्फलेस। हम सिर्फ, आयत नंबर 9 ऑफ सूरह दहर, हम सिर्फ अल्लाह की मर्जी की खातिर तुम्हें खिलाते हैं और ना तुमसे कोई इसका आजर, कोई जजा भी नहीं चाहते और ना तुम्हारा शुक्रिया चाहते हैं। तो कितनी मरतबा ये चीजें आई। अब अगर हम इस सूरे फजर वाली बात को फिर से ले, सूरे फजर में अल्लाह ने क्या कहा कि मैं रोजी बंद नहीं करता हूं, एक्चुअली तुम्हारी रोजी खुद तुम्हारे अमल से बंद हुई है, तुम्हारी ये सख्त दिल से बंद हुई है। यहाँ पे एक वाकया है, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रही हूं, है वाकया, तफसील से मैं शॉर्ट कर रही हूं। एक इंसान था, बड़ी मुसीबत में फंस गया, बिजनेसमैन था, कोई डील होने वाली थी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील थी और शायद उसका कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गया। पूरी ऑफिस छान मारी, सब कुछ ढूंढा, उसको नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो उसके फ्रेंड ने कहा कि चले आलम के पास ले जाता हूं। तकरीबन आ गए बेहजत या शेख रजब अली खयात के चैप्टर में ये वाक्य, एक आरिफ एक आलिम के पास का, चले मौलाना से पूछ ले, आलिम से पूछ ले कि कोई अमल, कोई तस्बीह, कोई जिक्र बता दे, इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है, इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये पास आए, आगा ने कहा, देखा उसे गौर से, का तुम्हारा भाई मर गया है, भाई के बच्चे यतीम है या बहन के बच्चे यतीम है? कहा है, मसलन इस तरह की कोई बात उसकी फैमिली में थी, या भाई मर गया था उसकी औलाद यतीम थी, या बहन के बच्चे यतीम थे, बहनों ही मर गया था? कहा कि हाँ यतीम है। कहा कितने सालों से उन यतीमों का चेहरा नहीं देखा, कितने साल, कभी ईद विलादत, कभी मरहूम भाई की औलाद से कोई रिश्ता रखा है, कभी उनको खाना भेजा, कभी तोहफा भेजा, कभी फ्रूट्स भेजे, कभी कोई सलाम दुआ, रिश्ता है? का नहीं, बहुत साल हो गए, अब यतीमों से कोई रिश्ता ही नहीं है, भाई मर गया, बहनों ही मर गया, कोई रिश्ता नहीं है। तो इन्होंने कहा जाओ उन यतीमों को खाना खिलाओ, उनके ऊपर एहसान करो, उनके दिल को राजी करो। अब ये सोच रहा है कि ऐसा क्यों, मैं इनसे कोई तस्बीह, कोई अमल मांग रहा हूं, ये मुझे कुछ और बता रहे। पहली मरतबा हुआ, फिर दूसरी बार आया, फिर वही चीज कही, फिर तीसरी बार आया, कहा कल लास्ट मीटिंग है, अगर कल तक फाइल नहीं मिली मेरा नुकसान हो जाएगा। इन्होंने कहा अभी तक तूने यतीम के दिल को राजी नहीं किया है। कहा चले वो भी करके देख लेता हूं। यतीम बच्चों के पास गया, खुश हो गए, मामू आए, चचा आए, बड़े खुश हो गए, फ्रूट्स लेकर गया, टॉयज लेके गया, आंख में आंसू आ गए, अपनी मां से कहते हमारा भी कोई रिश्तेदार है। जब उन यतीमों ने कहा थैंक यू, हमने कितना अच्छा खाना खाया, हमको पता चला हमारा कोई कोई मामू है, कोई चचा है, कोई रिश्तेदार है, तुम कितने अच्छे हो, हमारे लिए फ्रूट्स और टॉयज लेकर आए। अभी तो उनसे दुआएं लेकर आया ही था कि ऑफिस में पहुंचा और फाइल सामने पड़ी थी, क्योंकि सामने थी, पता नहीं पूरी ऑफिस छान मारी नहीं मिलती थी, आज सामने नजर आ गई। खुदा कभी कभी रिस्क को रोक लेता है क्योंकि मैंने अपना रिस्क अपने से कमजोरों पर रोक के रखा। तो अल्लाह मेरे दिल को रहम करके मैं यतीमों पे एहसान करूं, मैं उनको खाना भी खिलाऊं, और फिर मैंने अल्लाह से क्या मांगा, खुदाया मुझे खुले दिल से सलाम करने की तौफीक दे। यानी मैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं करूं कि मैं गरीबों को सलाम नहीं करती, मैं यतीमों को सलाम नहीं करती, जो मुझसे एज में छोटे वो मुझे आके सलाम करे, नहीं। सलाम अल्लाह की खातिर है, सलाम खुद अल्लाह के नामों में से है, अल्लाह खुद अस्सलाम है, तो ये अल्लाह का नाम है। बहुत ही दिल से खुलूस से बच्चों को सलाम करे, रसूल खुदा की आदत थी, सिफात थी, रसूल खुदा बच्चों को सलाम करते थे, सलाम करे पूरे तर्जुमे के साथ, पूरे यकीन अकीदे के साथ। और फिर क्या मांगा, खुदाया मुझे नेक लोगों की, मुकर्रम लोगों की, शरीफ लोगों की सोहबत में बैठने की तौफीक दे। शरीफ अच्छे लोगों की कंपनी में बैठेंगे तो अच्छी सिफात, अच्छी आदत आएगी, बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो हम भी बुरे हो जाएंगे, चोरों के साथ बैठेंगे कहीं ना कहीं वो चीज आ जाएगी, गलत बयानी करने वालों के साथ बैठोगे हमारी जबान भी वैसी हो जाएगी। तो अपने आप को ऐसा बनाए
कि अच्छे नेक मुकर्रम शरीफ लोगों के साथ कम से कम इतना होगा कि इज्जत अच्छी मिलेगी। यानी दुनियावी एतबार से भी देखे तो लोग कहेंगे नहीं नहीं ये अच्छे आलिमों के साथ बैठने वाला है, शरीफों के साथ बैठने वाला है, वरना लोग क्या कहेंगे अरे यार इसके फ्रेंड्स ही कितने बुरे, चोरों के साथ बैठता है, पूरी पूरी रात पता नहीं किन किन के साथ घूमते रहता है। नहीं, फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, दुनिया भी अच्छी होगी, इज्जत भी अच्छी मिलेगी, रूह भी अच्छी होगी, आदतें भी अच्छी होगी, दुनिया आखिरत दोनों कामयाब है। और फिर हम खत्म किस तरह से कर रहे हैं, बस सोहबतुल खिराम, मुहर्रम लोगों के दरमियान उनकी सोहबत में उनकी कंपेनियन में बैठने की तौफीक दे। बितौलका या मलजअल आमिलीन, ए परवरदिगारा अपने फजल से ए उम्मीदवारों की आखिरी पनाह का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजम बारेला, हमने आज तुझसे जो मांगा उसे समझने की तौफीक दे, उस पे अमल करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजम।